हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है संडे और अभी बज गए हैं दिन के 12:30। व्लॉग को हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया और आज हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर घूमने जाया जाए, पिकनिक वगैरह में। तो देखते हैं, वैसे मिसी का जू जाने का भी बहुत मन है, तो आसपास अगर कोई जू होगा तो वहां पर भी एक राउंड चले जाएंगे। और देखते हैं, आज अपना मस्त एकदम टाइम स्पेंड करेंगे अच्छे से और आपको भी दिखाएंगे क्या करने वाले हैं हम। तो इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तो चलिए हमारे साथ आइए। हेलो मिशी। हेलो। आप रेडी हो? हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? जू। लेट्स गो। लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। आज यहाँ पर संडे है तो सारी जो शॉप्स हैं वो सब बंद है, स्टोर वगैरह, और सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह ही ओपन रहते हैं आज संडे को। तो अब हमने एंट्री कर रहे हैं हम मेट्रो स्टेशन में। हमें जाना है U7 डूडो की तरफ। ये है SOS बटन या पैनिक बटन भी इसे कहा जाता है। तो किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको प्रेस किया जाता है। एक मिनट में अभी हमारी मेट्रो आने वाली है। अभी हम जिस पार्क में पहुंचे हैं उसके ठीक बगल में एक ये मंदिर भी है जो कि दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ लग रहा है। इस मंदिर का नाम अभी अभी हमने देखा है यहाँ पर एक बोर्ड में, इसका नाम है श्री गणेशा हिंदू टेम्पल। तो इस पार्क में हमने एंट्री कर ली है और ठीक यहाँ पर एक मंदिर भी है जो अभी हमने बाहर से दिखाया आपको, अभी अंदर से भी दिखाएंगे। और साथ में मंदिर बन भी रहा है, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है और इस साइड को इसका एक पार्ट तो बन चुका है और बाकी का पार्ट जो है अभी बन रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट तो बना हुआ है और बाकी का जो पार्ट है वो इस साइड बन रहा है। इसी से आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर कितने सारे इंडियंस रहते होंगे जो उन्होंने अपने लिए एक अलग से मंदिर भी यहाँ पर आके बनवा लिया है। अभी अभी इस मंदिर को जब हमने देखा तो हमें बहुत, मतलब एक कह सकते हो आप, इनर जो पीस होता है वो मिला और काफ़ी खुशी भी हमें मिली कि इस तरह बाहर देश में आगे भी आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो इंडियंस होते हैं वो किस तरह अपनी जो संस्कृति है उसका प्रचार पूरे विश्व भर में करते हैं, तो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आगे आए, उन लोगों का थोड़ी देर बैठ के आराम से डांस देखा, उसके बाद जब आगे आए तो यहाँ पर एक पार्क भी दिखाई दे रहा है। अब मिशी को वहीं लेके जा रहे हैं। इस पार्क के अंदर ही यहाँ पे मूवी थिएटर भी है, तो यहाँ पर अगर कोई चाहे तो वो मूवीज़ भी देख सकता है। अब हम पार्क से बाहर आ गए हैं और अब जू की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमें जू का पता नहीं था, अभी हमने कोई मिला तो उनसे हमने पूछा, बट प्रॉब्लम ये हो गई, वो उतना इंग्लिश में नहीं आंसर कर पा रही थी और जर्मन नहीं कर रही थी, तो वो गूगल ट्रांसलेटर ने हमें हेल्प किया और पूछा उनसे, तो
उन्होंने तब हमें डायरेक्शंस बता दिए हैं और अब हम जा रहे हैं। थैंकफुली इंटरनेट यहाँ पे अच्छे से चल रहा है तो इसलिए अच्छा हो गया, नहीं तो खुद ही ढूंढना पड़ता है टीचर के चलते। तो चलिए अब जू दिखाते हैं यहाँ पे किस टाइप का जू है इस पार्क के अंदर। पर हम पहुँच गए हैं जू के पास। क्या लग रहा है बहुत सारे डियर बैठे हैं और यहाँ पर कुछ और एनिमल्स भी हैं, शायद इन्हें लामा बोलते हैं। आज आप फर्स्ट टाइम आए जू में, कैसा लगा आपको जू? अच्छा लगा ना, स्मॉल जू है ना। ये आ गए हैं हम अब इस जू से बाहर। तो छोटा सा जू था बट बच्चों को दिखाने के लिए सही है। तो जू से बाहर आने के बाद हम अभी बस इस पार्क में ऐसे ही घूम रहे हैं और यहाँ पर लोग अपना बहुत अच्छे से पिकनिक मना रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, संडे को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम भी देखते हैं अब कहीं पर बैठेंगे, काफ़ी देर से हम घूमने में ही हैं। अभी हम जू देखकर आ गए हैं और एक अच्छी सी बढ़िया सी जगह में जो है आराम से बैठ गए हैं। काफ़ी तेज़ धूप भी है और अब आराम से जो है अपना लंच करेंगे, थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपना घर को चल देंगे। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, एकदम ऐसे लग रहा है कि हम बस जंगल में आ गए हैं और अपना आराम से पिकनिक मना रहे हैं। अब दो तीन चीज़ हमने कवर कर ली हैं, मिशी अपना खेलने भी चली गई, पार्क भी देख लिया, जू भी देख लिया और इतने अच्छे मौसम का यहाँ पर समर का इंजॉय ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है अपना सामान, अब हम करेंगे अपना लंच। तो ये घर से हम रोल्स बनाकर ले आए थे और अब हम अपने रोल्स खाएंगे और बिस्किट एंड फ्रूट वगैरह भी लेकर आए थे। बिस्किट तो ये इंडिया के ही हैं, मोस्ट फेमस पार्ले जी। तो पहले खाना खा लेते हैं। पार्ले जी। अब हमने अपना सारा सामान रख लिया है इस बैग में और अब हम जा रहे हैं घर। 4:30 हो गया है। अब हम पार्क से बाहर आ गए हैं और यहाँ मंदिर के पास पहुँच गए हैं, बस एग्जिट करने वाले हैं। अभी हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन और अब मेट्रो हमारी आने वाली है 1 मिनट में, तो अब जाएंगे हम घर की ओर।